नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। वजन घटाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं, ये एक टाइप टेकिंग प्रोसेस है और अगर आपकी हाइट औसतन से भी कम है तो वजन कम करना और भी बड़ी मुसीबत बन जाता है। बता दें कि आपके हार्मोन्स, उम्र और जीवन शैली की आदत जैसे कई कारक वजन घटाने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। इन सब के अलावा एक और चीज है जो वजन घटाने की प्रक्रिया को निर्धारित करती है, वो है आपकी हाइट। छोटी हाइट के कारण भी वजन घटाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। सुनकर हैरत तो हो ही रही होगी, लेकिन ये सच है। छोटी हाइट के लोगों को वजन कम करने के लिए बहुत मेहनत करने के बाद भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी हाइट उनके वजन को प्रभावित करती है। अगर आपकी हाइट भी छोटी है तो आपको वजन कम करने में ज्यादा वक्त लगेगा। कारण ये है कि छोटी हाइट वाले लोगों के शरीर को कम ऊर्जा की जरूरत होती है, इससे कम कैलोरी बर्न होती है और वजन घटाने की प्रक्रिया भी स्लो हो जाती है। जबकि लंबी हाइट वाले लोगों की मांसपेशियां ज़्यादा होने के कारण मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, जिससे उन्हें कैलोरी बर्न करने में बहुत मदद मिलती है। दरअसल वजन घटाने में आपकी हाइट एक खास भूमिका निभाती है। वजन और हाइट एक दूसरे को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। कम ऊंचाई वाले लोगों में स्वाभाविक रूप से कम लीन मास होता है, जिसमें टिश्यूज, मसल्स, ऑर्गन, बोन्स और कनेक्टिव टिश्यूज शामिल हैं। कई तरह की शारीरिक गतिविधियों के साथ आप जितनी कैलोरी बर्न करते हैं वो आपके शरीर में लीन मास की मात्रा पर निर्भर करता है। बता दें कि लीन मसल मास BMR यानी कि लंबाई के अनुसार वजन कितना होना चाहिए, ये BMR से तय होता है। बता दें कि लीन मसल मास BMR पर असर डालता है, जबकि ज्यादा दुबली मांसपेशियों का मतलब है हाई BMR और तेजी से वजन कम होना। यानी कि जो लोग लंबे होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म तेज होता है। तेज मेटाबॉलिज्म वाले लोग आसानी से वजन कम कर सकते हैं। ऐसे में कम हाइट वाले लोगों को वजन उठाना चाहिए, यानी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करनी चाहिए, साथ ही आहार में प्रोटीन शामिल करना चाहिए और कम कैलोरी का सेवन करना चाहिए। साथ ही एक बार पेट भर जाने पर उन्हें खाना रोक देना चाहिए और अनहेल्दी फूड आइटम से दूरी बना लेनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।